देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। जिलाधिकारी व परिवहन आयुक्त के आदेश अनुसार सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें दोपहिया व चौपहिया वाहनों के चालकों पर सीट बेल्ट न लगाने व हेलमेट न होने कारण 70 चालान काटे गए और ₹7,000 शमन शुल्क वसूला गया। PTO राकेश मोहन ने बताया कि ई रिक्शा चालकों व जुगाड़ू के भी चालान काटे गए, क्योंकि ई रिक्शा चालकों के पास कोई भी वैध कागज RTO द्वारा नहीं लिया गया, जिसमें सैकड़ों ई रिक्शा विभाग द्वारा सीज कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो गाड़ियां शासन के आदेश के अनुसार 15 साल पुरानी हो चुकी है, उन गाड़ियों को भी सीज कर दिया गया है। चेकिंग के दौरान PTO राकेश मोहन के साथ साथ रामेंद्र कुमार, रविंद्र सिंह सिरोही, फतेह सिंह रावत, अरुण कुमार मौजूद रहे। सहारनपुर से महेश कुमार की रिपोर्ट। जी सर, जो आज जो सीट बेल्ट और हेलमेट पे जो चालान काटे जा रहे हैं, कितने चालान लगभग कटे हैं? अब तक लगभग 70 चालान काटे जा चुके हैं। कितना जुर्माना वसूल हो गया? जुर्माना लगभग ₹6,500। अच्छा, ये जो चेकिंग अभियान चला जा रहा है, ये कब से चला जा रहा है चेकिंग अभियान? ये विगत काफ़ी अर्से से चलाया जा रहा है। शासन द्वारा निर्धारित आज का दिन किया गया है, बुध के दिन विशेष रूप से सभी जगह सीट बेल्ट और हेलमेट की चेकिंग की जाती है पुलिस के द्वारा और परिवहन द्वारा। इसके